guys, a very warm welcome to all of you in the series of Python to Enter from very scratch. So today in this video, we are going to covering up the entry widget in Tekento, as we have already completed the label widget and even we have computed layout management and even geometry management. So now it's come to learn the entry management, because आप कहीं से कुछ अगर input लेने के लिए एक allow करते हो कि आपको user को username देना है, so you must give them a platform to put their username. So that is called as an entry widget. So entry widget का basically usage क्या होता है, आप entry widget के जरिए strings के form में या किसी भी form में data जो है user से ले सकते हो. This is a basic advantage, this is the basic definition of the entry widget in Tekento. Now if we talk about the next thing, that how you can declare the एंट्री विजिट, सिमिलर थिंग है गाइज. यहाँ पे भी आपको हर विजिट की तरह एक नाम डिक्लेयर करना, लाइक डब्ल्यू वाई जेड समथिंग कुछ भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं. इज इक्वल्स टू एंट्री देन पैरेंथेसिस देन मास्टर देन कॉम ऑप्शंस. मास्टर्स में आपका आएगा स्क्रीन का नाम या पेरेंट विंडो. पेरेंट विंडो यानी कि आपने जो भी लिखा है स्टार्टिंग में रूट इक्वल्स टू टी के टी के डॉट टी के पैरेंथेसिस, तो आपको वही चीज़ वहाँ लिखनी है. कॉमा देन ऑप्शंस. ऑप्शंस में जो नीचे आप देख रहे हो एट्रीब्यूट्स लाइक बी जी बी डी फॉन्ट एफ जी जस्टिफाई राइट रिलीफ शो गेट डिलीट इंसर्ट, दीज आर सम एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन यूज एट द पोजिशन ऑफ ऑप्शंस टू मेक योर टेक्स्ट मेक योर एंट्री विजिट मोर एंड मोर अट्रैक्टिव. सो ये कुछ ऐसे आपके एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा अगर आप कोई विजिट बना रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस कि आपको उसको अलाइन करने के लिए कुछ भी आपको एक ग्रिड टाइप की मेथड चाहिए कि आप उस विजिट को कहाँ पे पेज पे अपने विंडो पे किस साइड में चाहते हो. सो वी जनरली पुट हियर वाई डॉट ग्रिड रो जीरो कॉलम वन. इसका भी एक लॉजिक है जो अभी हम देखेंगे जब हम कोडिंग को स्टार्ट करेंगे. उससे पहले ये जो ऑप्शंस हैं, जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ ऑप्शंस टू मेक योर विजिट अट्रैक्टिव, लाइक बीजी आपके बैकग्राउंड के लिए होता है, बीडी आपके बॉर्डर साइज के लिए होता है, फॉन्ट आपके फॉन्ट का टाइप डिक्लेयर करता है, फोरग्राउंड आपके टेक्स्ट को इफेक्टिव बनाता है, रिलीफ 3D स्टाइल्स हैं, शो आपके नॉर्मली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आप कुछ पासवर्ड टाइप के एंट्री यूज़र से गेट करते हो, वो आपको स्टार में शो होता है ताकि पासवर्ड यूज़र का विजिबल ना हो, सिर्फ यूज़र को ही पता हो. देन गेट उसी वैल्यू को गेट करने के लिए होता है जो आप टेक्स्ट वेरिएबल में वैल्यू को लेते हो. देन डिलीट आपके किसी भी कैरेक्टर या विजिट को डिलीट करने के लिए लिया जाता है. इंसर्ट डायरेक्टली, जाहिर सी बात है नाम से क्लियर हो रहा है गाइस कि ये आपके एक कैरेक्टर से पहले कुछ इंसर्ट करना हो तो ये वहाँ पे यूज़ हो सकता है. गाइस डोंट वरी अबाउट दिस. फ्रॉम विजिट नंबर फ्रॉम एट्रीब्यूट नंबर शो टिल इंसर्ट वी विल डिस्कस इट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इन दिस वीडियो वी ओनली डिस्कस अ बेसिक थिंग टू डिक्लेयर टू यूज टू मेक अ एंट्री विजिट इन टिकेंटो. सो अभी आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो कि कैसे हमें बनाना है एंट्री विजिट, क्योंकि एंट्री विजिट बनाने के लिए जो बेसिक सेंटेंस था बेसिक सेंटेक्स था वो वही था. नाउ वी आर कमिंग टू द स्क्रीन टू नो मोर अबाउट द लर्निंग एंड बाय डूइंग प्रैक्टिकल. सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली हमें डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री विजिट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पुराना वाला देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका विजिट लेबल है उसमें कहीं भी कोई स्पेस नहीं है. वो स्पेस का भी मॉडिफिकेशन हम आज के ही वीडियो में करेंगे. पैडी और पैडेक्स जैसे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमने पढ़े थे लास्ट कुछ वीडियोस में वो भी. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने पढ़ा था रूट डॉट रिसाइजेबल इन द लास्ट टू लास्ट वीडियो, देयर यू हैव सीन कि रूट डॉट रिसाइजेबल के जरिए आप विंडो को स्क्रीन को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हो, वो आप एक पर्टिकुलर साइज में ही रहेगा. सो अभी हमें क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे वाई एंट्री पैरेंथेसिस देन द मास्टर नेम दैट रूट कॉमा फॉन्ट equals to times new roman then 21 and then bold and then relief style. तो ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिनमें आपको आपके एंट्री विजिट को क्रिएट करना है. इसको क्रिएट करने के बाद आप इसको डायरेक्टली रन करोगे तो आपको उसका डायरेक्टली इफेक्ट दिखेगा. सो रिलीफ स्टाइल हम लिख रहे हैं सन के, जो कि हमने लेबल में भी यूज़ किया हुआ है. नाउ वी विल पुट एंटर एंड वी विल क्लोज इट विद y.grid row 0 column 2.
हम लिखेंगे रो जीरो कॉलम टू। इसका एक बेसिक रीजन गाइज ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे दोनों विजिट्स हैं एक ही रो में अलाइनमेंट पैरेलल ही हो दोनों का, यानी कि यूज़र नेम के सामने ही आपका एंट्री विजिट है जहाँ पे आप यूज़र नेम पुट कर सकते हो। तो अगर आपका यूज़र नेम का कॉलम वन है तो जाहिर सी बात है कि आपका नेक्स्ट कॉलम टू ही होगा, जिसमें कि आपको अपने नेक्स्ट टेबल को डिक्लेयर, नेक्स्ट आपके विजिट को यूज़ करना है, मेक बनाना है। तो रो जीरो कॉलम टू, ये बहुत इंटेलिजेंट का काम है गाइज, ये आपको बहुत इंटेलिजेंट से दिमाग लगा के सोचना है कि अगर आपका ये वन है तो नेक्स्ट टू थ्री क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप विजिट को प्लेस कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे रो और कॉलम दोनों को ही ध्यान में रखने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल गाइज ये भी है कि अभी तक आप देखोगे जब जैसे मैं इस कोड को रन करूँगी तो हमारा जो दोनों विजिट्स है ना उसमें कोई आपको स्पेस नहीं मिलेगा, देर यू कैन सो देर विल बी नो स्पेस बिटवीन द टू विजिट्स। सो उसको हमें सही करने के लिए पैडी और पैडक्स जैसे फीचर्स का यूज़ करना पड़ता है। सो फर्स्टली नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस सो दैट वी कैन नो दैट व्हाट शुड आउटपुट वी विल गेट हियर। सो इतना जानना इम्पॉर्टेंट था गाइस कि जिस तरीके से हमने किया वो उसको आउटपुट। सो यू कैन सी एज आई हैव सेड दैट यहाँ पे कोई आपको स्पेस नहीं मिलेगा दो लेबल्स के, दो विजिट्स के बीच में, बिकॉज हमने पैडी और पैडक्स जैसे फीचर्स का यूज़ नहीं किया है अब तक। सो उसको यूज़ करने के बाद हम अपने विजिट्स के ऊपर वाले यानी कि अप डाउन स्पेस लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट स्पेसेस को हम दे देंगे। तो डिफ़ॉल्ट इसका स्पेस होता है टू और वन, लेकिन उसको हम एट और नाइन तक एक्सटेंड करने वाले हैं। सो आपके जो टेक्स्ट है वो आपका टाइम्स न्यू रोमन में ही आया, देखा ही होगा आपने, बट हमारा जो साइज था विजिट का वो भी 21 ही था, बट जो बेसिक है हमें ऐड करना है, चेंज करना है पैडी और पैडक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज यहाँ पे कि पैडी और पैडक्स को अगर आप एंट्री या फिर आप लेबल के ही लाइन में नोट लिखोगे तो वो आपको एरर शो करेगा, बिकॉज हम लेबल को, हम अपना जो विजिट है हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं हम उसके स्पेस, उसके साइज को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कितना स्पेस होना चाहिए उसको अलाइन करने के लिए। अलाइनमेंट की जहाँ बात आती है तो हमें उसको ग्रिड यानी कि जो लास्ट लाइन होती है जो आप हम हर विजिट के बाद यूज़ करते हैं लाइक डॉट ग्रिड, फिर रो जीरो रो कॉलम, रो और कॉलम डिक्लेयर करते हैं, हम वहाँ यूज़ करेंगे तो ही हमारा जो पैडी और पैडक्स है वो वर्क करेगा। सो पैडक्स हमारा यूज़ होता है साइड बाय साइड के स्पेसेस के लिए लाइक लेफ्ट एंड राइट, सिमिलरली आपका पैडी जो होता है वो अप एंड डाउन के लिए होता है। सो अभी जैसे मैंने जो हमारा जो पैडी और पैडक्स था मैंने गलत जगह डिक्लेयर किया तो हमें ये एरर मिला। अब इस एरर को इम्प्रूव करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट लाइन में आना पड़ेगा, पड़ेगा ग्रिड वाली लाइन में, लेबल की ग्रिड लाइन में और एंट्री विजिट की ग्रिड लाइन में। उसके बाद आपको वहाँ पे आके पैडी और पैडक को सेट करना पड़ेगा। लेबल के लिए हम यहाँ पे पैडी और पैडक सेट करेंगे 9, बिकॉज वो हमने काफ़ी ज़्यादा अलाइंड है, वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है वो हमारी विंडो स्क्रीन से। उसके अलावा हम सिर्फ पैडक्स ही यूज़ कर रहे हैं एंट्री विजिट के लिए, बिकॉज उसमें हमें पैडी की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्पेस वहाँ पे बचा हुआ है। सो वी डोंट नीड पैडी टू यूज़, वी जस्ट नीड पैडक्स टू यूज़ देयर। So now you can see here there is too much space now between the username label and the window. अभी आपका label अलग से नज़र आ रहा है, अभी तक वो mix था, चिपका हुआ लग रहा था, it doesn't make any sense. Now ये दोनों widgets आपके काफ़ी visible हैं, काफ़ी अलग दिख रहे हैं कि हाँ ये दो widgets हैं जो अलग अलग हैं। So ये basic चीज़ थी आपके इस यहाँ पे इस video में, इस पैडी और पैडक्स का use भी जानना important था। फिर अभी हम यहाँ पे अपने डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, आप कभी भी कुछ रेडी स्टाइल चेंज कर सकते हो रिलीफ फंक्शन, रिलीफ मेथड के ज़रिए। अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हो वो आपका विजिट अब पहले से काफ़ी गुना अच्छा लग रहा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कोडिंग दैट यू हैव डिड, आपका फिर भी कोडिंग उतना नहीं है, बट अभी हमें इसको और भी इम्प्रूव करना है। सो अभी हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन में ही आ रहा है, साइज भी उतना ही है, पैडी पैडक्स भी हमने सेट कर दिया है। तो यही था हमारा बेसिक मोटिव एंट्री विजिट का। सो नाउ यू हैव सीन दैट हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू मेक अ एंट्री विजिट इन द पाइथन टिक एंट्रो। सो ये तो बेसिक चीज़ थी गाइज। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें तो बहुत कुछ बचा है जो कि आने वाली कई वीडियोज़ में देखेंगे। सो गाइज बाय, टेक इन एंड कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।